पंडित जी ने सत्यनारायण की कथा का पाठ समाज के एक ऐसे हिस्से के लिए किया जिसे पारंपरिक हिंदू वर्ण व्यवस्था में ये अधिकार नहीं है। लिहाजा पंडित जी के सामाजिक बहिष्कार की कोशिशें की गई, लेकिन पंडित जी ने अपना ये सुधारवादी रुख नहीं छोड़ा। ये पंडित जी कौन हैं, कहाँ रहते हैं, इनके साथ क्या हुआ? प्रतिबिंब, कलारा पंडित, मध्य प्रदेश से रिपोर्ट राजेश बादल की। मध्य प्रदेश के इस कलारा गांव में रहने वाले पंडित राज नारायण शर्मा ने लगभग 5 साल पहले अनुसूचित जाति के लोगों के घर जाकर सत्यनारायण की कथा बांची। नाराज होकर गांव वालों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, लेकिन पंडित जी को इस बहिष्कार का पूरा एहसास हुआ कुछ ही दिन पहले, जब एक और घटना हुई। यहाँ पर एक गाड़ी जब उल्टी, उस गाड़ी के बारे इन्होंने कहा और गाली गलवाज दे करके कहा। कथा बांचने के लिए गांव वालों ने पंडित राज नारायण शर्मा का अपमान किया और उसी दिन से उनका सामाजिक बहिष्कार भी शुरू हो गया। बोलते हैं कि लगारी चनो। श्रीमती सहोदरी बाई ने बताया कि अनुसूचित जातियों की बस्ती में कथा बांचने के कारण गांव वाले उनके बारे में भी अनाप शनाप कहते हैं। पड़ोसी के अनुसार जब रास्ते को लेकर लड़ाई हुई तो पंडित जी से कहा गया कि तुमने अनुसूचित जाति के मोहल्ले में कथा बांची, इसलिए तुम्हारा बहिष्कार होगा। जाते इससे बंद करे, अभी जूते खाओगे तो। समाज के लोगों ने कहा हाँ। तो इनके यहाँ कोई जाता नहीं है समाज? कोई नहीं जा, 5 साल से नहीं जा रहा। कलारा गांव के लोग पंडित राजनारायण के सामाजिक बहिष्कार की बात को गलत बताते हैं। लोगों का कहना है कि वो गांव के सम्मानित पुजारी हैं। यहाँ की राजनीति जो है एक की एक छीटा कसी आपस में चल रही है, ऐसा कोई नहीं। वो गांव के पुजारी हैं हमारे, पूरे गांव के। राम जानकी का मंदिर है, वो मंदिर के पुजारी भी हैं। अच्छा, और हमारी भी कथा बांचते हैं, बांचते हैं, आप भी बांच रहे हैं। और इसके बाद हमारे ही मंदिर की, पूरे सार्वजनिक मंदिर है राम जानकी का, तो मंदिर में भी मतलब अभी वर्तमान इस टाइम अभी पुजारी भी हैं। और कोई ऐसी अभी तक पंचायत भी नहीं हुई, मीटिंग भी नहीं हुई ठेका छाकी वाली। पंडित राज नारायण के छोटे भाई पंडित हरिचरण शर्मा और उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। अब वे भी गांव वालों के सुर में सुर मिलाते हैं। गांव वालों की तरह पंडित जी का भतीजा भी यही कहता है कि पंडित जी पहले की तरह अनुसूचित जातियों के यहाँ कथा बांच रहे हैं और कोई विवाद नहीं है। उनके अनुसार पंडित जी को कथा बांचने से मना नहीं किया गया है और शादी ब्याह में भी उन्हें बुलाया जाता है, मगर वे नहीं आते। है तो कुछ नहीं, ना तो समाज ने बहिष्कार किया है और ना ही ऐसा कोई रूप है उसका। बस ये रहा कि मनमुटाव में इन लोगों ने हमको नहीं बुलाया, हम उनके नहीं जा रहे हैं, बस ये हो रहा है। नहीं तो क्या क्या कथा बांचने पर कोई गुस्सा था? नहीं सर, कोई नहीं था। मैंने स्वयं ने जा करके वहाँ हवन करवाया है और हमारे पंडित जी मन्नू लाल जी तो कई वर्षों से कर रहे हैं, बल्कि हमसे बहुत बड़े हैं बहुत। गांव के तमाम लोग पत्रकारों के सामने सामाजिक बहिष्कार की बात को हल्का सा मनमुटाव कहकर टालना चाहते हैं, लेकिन मामले की असलियत साफ है। मेरी शादी हुई सर, तो मेरी शादी के बाद में इन लोगों को मतलब बुलाया तो कोई नहीं आया सर, ना ही ये हमें बुलाते हैं और ना ही हम इनके यहाँ आते हैं। और बुलाना तो मतलब भाड़ में गया, लेकिन कोई कोई लोग तो मौसे भी नहीं बोलते हैं। ये शादी ब्याह कार्य में कहीं भी नहीं बुला सकते हैं मुझे, हाँ। और वैसे भी जब यहाँ पर कोई मेहमान लोग आते हैं तो मेहमान लोग के साथ में भी ये नहीं बुला पाते हैं मेरे को, बल्कि मेरे यहाँ बच्चे की शादी थी, मैंने उसमें इन लोगों के लिए बुलवाने के लिए एकत्र हुआ, इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। पंडित राज नारायण का परिवार बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। न सिर्फ इनके घर का आना जाना बंद है, बल्कि अक्सर गांव वाले इनका अपमान भी करते हैं, घर वालों गाली देते हैं और नाना प्रकार धौर धमकी देते रहते हैं। वो तो उस दिन भी इन्होंने बच्चे की माँ नहा रही थी, बच्चे की माँ नहाते समय इन लोगों ने वहाँ इधर आकर के गालियाँ दी मेरे को, बच्चों ने बताया। घर पे अगर कोई होता है, जैसे कि कभी हम नहीं हैं, तो ये समझ लो कि सर ये गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा होती है। मामले की खबर स्थानीय अखबारों में छपी, गांव वालों में खलबली मच गई और साथ ही उनकी नाराज़गी भी बढ़ गई। अब कोई भी इनके हक में नहीं बोलता। गांव वालों सब किसी से भी नहीं कहने देते हैं कि तुम इनकी गवाह दे दो, या किसी से कहते हैं तो वो बेचारे डर के मार कहते नहीं, उन पे दबाव डालते हैं कि तुमने यदि उनकी गवाह दी है तो हम तुम्हारे हाथ पर काट डालेंगे, मार डालेंगे।
तो हमारे पक्ष में कोई नहीं है। गांव वाले इसके इनका दबदबा है इसलिए नहीं बोलते। पूरे गांव में? पूरे गांव। तो वैसे तो पंडित जी बहुत अकेले पड़ जाएंगे फिर। अकेले ही मैं बोला था मेरे लिए अभी दो दिन तक जैन साहब का थाने में बिठा रखा हुआ। क्यों? जय एक रास्ता विवाद के पीछे जहाँ रास्ता कोई रास्ता नहीं है इन लोगों की, इनने जबरदस्ती रास्ता निकाली। तहसील के रिकॉर्ड में नहीं है रास्ता। आप पंडित जी के साथ में बोले थे इसलिए। गांव वालों का रवैया बदलता दिखाई नहीं देता। पंडित राजनारायण के पास एक ही रास्ता है कि वे अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में कथा बांचनी छोड़ दें। कर्तव्य तो हमारा वही है सर, हम उसी से पेट पलाव कर रहे, हम कैसे छोड़ देंगे। पंडित्या ये हाँ, कोई बुरा काम हो तो हम बाई छोड़ सकते हैं, मन है तो हमारी रोजी वही। अगर आपसे कहा जाए कि आप कथा बांचना बंद कर दें तो आपका हुक्का पानी शुरू कर देंगे तो आप मान जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं सर। क्या वो खून नहीं है क्या? उसे खून नहीं माना जाएगा? वो क्या है? अगर उनके साथ में इस तरह से व्यवहार किया जाए उनकी कथा वार्ता कौन पढ़ेगा? क्या वो पढ़ने लगेंगे? पंडित राजनारायण की समस्या राष्ट्रीय चिंताओं और योजनाओं के दायरे से बाहर नहीं है, लेकिन उनकी समस्या ज्यों की त्यों है। आखिर कलारा गांव की ये कथा देश की विविध कथाओं में से महज एक छोटी सी कथा है। पंडित राजनारायण शर्मा को सारे गांव से अलग थलग करने के मामले की सरकारी जांच पूरी हो चुकी है, पर उसका कोई परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन इतना तय है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में समाज के किसी व्यक्ति को इस तरह से बहिष्कृत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परख के लिए भोपाल जिले के कलारा गांव से मैं राजेश बादल।